गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर इन बुक, नाउ वी स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। योर फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस। आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। देखो बच्चों, आपको जैसे सेकंड का लेवल है आपका, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। आपने देखो लास्ट ईयर पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में कि जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, इस तरीके से हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, जिसमें कोई मीनिंग निकले वो सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो ये मीनिंग है ना कि कोई बच्चा आम खा रहा है। तो जहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंसेस हो वो क्या होते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग देखोगे वाक्य, वाक्य होते हैं, ठीक है। अब देखो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह है। आपकी बुक में भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। आप अपनी नोटबुक में भी इन सब चीजों को लिखोगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह है दैट जो कि मेक्स यानी बनाता है, कंप्लीट यानी पूर्णतया, सेंस यानी सेंस निकालता है, अर्थ निकालता है, इज यानी है, कॉल्ड यानी कॉल्ड सेंटेंस हम उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह है जो कंप्लीट मीनिंग निकालता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए सेंटेंस इज, देखो अब सेंटेंस के बारे में क्या बताएंगे कि सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। देखो बेटा, आपने कभी भी देखा होगा सेंटेंस इज ऑलवेज बिगन कैपिटल लेटर। आपने इस टाइप के लेटर देखे होंगे, ये इस टाइप, दिस टाइप ऑफ लेटर्स, कि जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें लेटर कौन सा यूज होगा, कैपिटल लेटर। ऐसे लेटर्स यूज नहीं हो सकते, एम, ये छोटा एम, ये यूज नहीं हो सकते, दिस इज रॉन्ग, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। राइट कौन सा है, एल एन, एम एल एन, जहां पर सेंटेंसेस कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस माना जाता है। ए सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिंस, बिगिंस यानी शुरू में, विद ए कैपिटल लेटर। किस कौन से लेटर से शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, विद एंड्स, और एंड किससे होते हैं सेंटेंसेस, एंड किससे होते हैं बच्चों, फुल स्टॉप से, इसे बोलते हैं बच्चों फुल स्टॉप। इसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। एंड किससे होंगे, फुल स्टॉप से। शुरू किससे होंगे, एम एल एन, मतलब जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, एंड होगा तो उसमें फुल स्टॉप। अब देखो आप सोचोगे मैम फुल स्टॉप क्या है, बेटा दिस फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप बोलते हैं। कैपिटल लेटर आप साइड में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, जैसे ए है, ये ए ऐसे लिख रही हूँ, बी ऐसे लिख रही हूँ, दिस इज द कैपिटल लेटर। ये कौन से लेटर्स हो जाएंगे, कैपिटल लेटर। नेक्स्ट देखो, अब देखो स्टूडेंट्स आपको पूछा जाएगा, आपको पूछना कि आपको पता होना चाहिए। अभी आपको मतलब धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप सीखोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रामर होती है ना वो समझने की चीज़ें, जैसे मैथमेटिक्स आप लोग करते हो वैसे। अब देखो रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले देखो तुम्हारे सामने आएगा सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें नहीं पता। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है, बच्चे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मिल्क गिव्स अ काउ। ये अब मैं देखो इसको सही सेंटेंस बनाती हूँ, द काउ गिव्स अस मिल्क। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसको, देखो पहले तो आपका एक्सप्लेनेशन ये बतानी चाहिए। देखो एक वर्ड है ये, मिल्क भी एक वर्ड है, गिव भी वर्ड है, अस वर्ड हो गया, द हो गया, काउ हो गया, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। मिल्क दूध देती है हमें, द काउ, काउ के द्वारा हमें दूध दिया जाता है, बेटा काउ हमें दूध देती है, ठीक है। तो इसको सही सेंटेंस देखो अभी कैसे बनता है, द काउ, ठीक है, गिव्स अस, गिव्स देती है अस यानी हमें, मिल्क यानी दूध। अब देखो स्टूडेंट्स आप पूछोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट पे हमला
बेटा जो काम को करता है मिल्क हमें कौन दे रही है? काउ दे रही है। ऐसा थोड़ी ना कि मिल्क से हम काउ को निकाल रहे, ऐसा नहीं है। काउ मिल्क कौन दे रही है हमें? काउ दे रही है। तो काउ इसमें जो काम को कर रही है वो सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है ना कर्ता। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा? कर्ता। ये सब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कर्ता। गिव्स यानी देना। गिव्स यानी देना। क्या देती है काउ हमें? मिल्क देती है। तो बेटा सेकंड वर्ड मैंने बोला वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। उसकी क्रिया क्या है? मिल्क को देना। अस यानी हमें। ये तो ऑब्जेक्ट हुआ इसका। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसका यानी कर्म। ऑब्जेक्ट इसका है कर्म। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कर्म। अस मिल्क हमें, इसका कर्म क्या है? हमें मिल्क को दे रही है। द काउ गिव्स अस मिल्क। काउ हमें दूध देती है। तो बेटा जो काम को करता है वो सब्जेक्ट हो गया। और जो क्रिया, क्या क्रिया है? देना। तो उससे हम बोलते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट, बाकी बचाओ पार्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट। मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, जो काम को करता है। तुम लोग लिख रहे हो यू राइट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? यू, तुम सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, आई राइट, मैं लिखती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। काम कौन कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? आप पूछोगे मैडम वर्ब क्या होती है? देखो बच्चों, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब। एक तो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। जिसे हम क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, आपने कभी ये देखा है? Is, am, are, was, were, do, does, did, shall, will, has, have, etc. ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं बेटा। इनका मीनिंग होता है सहायक क्रिया, जो सहायता करे सेंटेंस में। ठीक है, जो सहायता करे। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा, और एक्सप्लेन करूंगी मैं उसमें। वो तो होती है सहायक क्रिया। और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो बच्चों क्या होती है? मेन वर्ब का मीनिंग होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मीनिंग क्या होता है? मुख्य क्रिया। बेटा ह्यूमन बॉडी जो भी एक्शन करेगी, ह्यूमन बॉडी जो भी एक्शन करती है वो सारी मेन वर्ब है। खाना पीना, चलना, सोना, जागना, स्लीपिंग, कमिंग, गोइंग, और जंप, राइट, प्ले। ह्यूमन बॉडी जो भी एक्ट करेगी वो सारी मेन वर्ब में इंक्लूड होगी। जैसे देखो राइट है इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ। जैसे राइट है, लिखना, प्ले, जंप, ये सारी मेन वर्ब है। ठीक है, एटसेट्रा कर लो। अब देखो आप पूछोगे मैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जो ऑल रेस्ट पार्ट है वो आपका कर्म ऑब्जेक्ट हो जाता है। आया समझ में इतना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट सेंस निकालते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, मीनिंगफुल इनका मीन्स निकलना चाहिए। और सबसे पहले मेन चीज जो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको ये सब चीजें सबसे पहले आनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसको बेटा अच्छे से इस वीडियो को देखना, और ये सब कुछ राइट इन योर नोटबुक। ये सब कुछ आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। आई थिंक टुडे इज सफिशिएंट। थैंक यू।